अगर आप भी एक मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार ऑन करते हैं तो इसमें कुछ हम नए लोग जो होते हैं वो खासकर गलती करते हैं, जिससे आपके गियर में अच्छा खासा खर्चा जाता है। कई बार कुछ क्लच प्लेट को लेके भी है और कुछ गियर के अंदर के सिंक्रोनाइजर को लेके है। पॉइंट है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें देखो जो खास करके नए लोग होते हैं वो लोग क्या करेंगे, पहली गलती देखो, मैं शुरुआत में मेरे कई बार लोगों को टोकता हूँ जब मैं खुद ड्राइविंग करता हूँ साथ में, तो लोग क्या करेंगे, जैसे मैं बैठा हूँ तो एक साइड आपके आर्म रेस्ट होगा, यहाँ पे भी होगा, तो लोग क्या करेंगे, मैं तो आर्म रेस्ट डलवाया देखो, तो लेकिन क्या करेंगे लोग, ऐसे गियर पे आर्म रेस्ट है तो भी ऐसे हाथ रखे रहेंगे गियर शिफ्ट करने के बाद। इससे क्या होता है, जिसमें डंडी होती है उसमें प्रेशर बना रहता है, तो जो शिफ्टिंग रोड होती है ना गियर में शिफ्टिंग करती है उसमें प्रेशर बना रहता है, जिससे वो जल्दी घिस जाती है, फिर आपको गियर खोल के सब चेंज करना पड़ता है। तो पहली गलती सबसे बड़ी बात तो यही है। फिर दूसरी गलती लोग करते हैं कि जैसे कि ग्लस शिफ्ट करेंगे तो भी आपके हाइड्रोलिक क्लच है तो भी इसको ऐसे पैर थोड़ा रखे रहेंगे, हटाएंगे नहीं, इसलिए कंपनी आप इस पे देने लगी। इससे क्या होगा, आपकी क्लच तो जाएगी जाएगी, लेकिन जैसे कि जो पावर आ रही है और गियर को जो पावर मिलनी चाहिए, जैसे कि एक टाइप का एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगा इंजन का, और जो पावर है ना गियर में वो कम आती है और गियर कम काम करता है, तो ये भी एक तरफ से वो प्रॉब्लम करता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप गाड़ी चलाएं पेडल पर से पूरा पैर हटा लें फिर जाके गाड़ी चलाएं। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या करते हैं लोग, क्लच शिफ्ट जब भी गियर शिफ्ट करेंगे तो उतावल तौल में आधी क्लच करेंगे, और जब आपकी क्लच प्लेट परफेक्ट होगी ना तो ये जल्दी शिफ्ट हो जाएगा बिना हाफ क्लच में भी, लेकिन जिससे सिंक्रोनाइजर पे एक प्रेशर पड़ता है, सिंक्रोनाइजर कट जाते हैं, और कई गियरबॉक्स काफ़ी महंगे आते हैं जिसका सिंक्रोनाइजर सब बदलवाना काफ़ी महंगा पड़ता है। एक ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट लोग क्या करते हैं कि ऐसे क्लच करेंगे फट से और गियर शिफ्ट करके फट से क्लच हटा लेंगे, झटके से क्लच हटाते हैं। झटके से क्लच हटाने पर क्या होता है, जो गियर में आपने शिफ्ट की उस गियर के जो पूरा जो चक्कर है उस सब पे से जोर से झटका पड़ता है, तो गियर के जो चक्कर है ना वो टूटने का प्रॉब्लम बनता है, या सिंक्रोनाइजर टूटने का प्रॉब्लम पड़ता है, या जल्दी वो वियर एंड टियर हो जाएगा। तो एक आपको गियर स्मूथ चाहिए तो आपको ऐसे क्लच दबा के आप गियर शिफ्ट करते हैं, तो फिर उसको धीरे से रिलीज करने का, ये नहीं कि ऐसे स्टार्ट करके मारने का, इससे गाड़ी कूल दिखती है, मतलब गाड़ी से झटका देकर उठ रही है आगे से, ये सब इससे कूल दिखता है लेकिन वो आपकी जेब पे भारी पड़ने वाला है। देखिए ये पॉइंट हो गया, लोग इसके लिए करते हैं। अब इसी में सेम चीज़ें लोग कोई भी करते हैं कि प्रॉपर गियर शिफ्टिंग होनी चाहिए, प्रॉपर एक स्पीड होती है, पूरा एक आरपीएम होता है जिसपे गियर शिफ्ट होता है। जैसे सपोज कीजिए आपका पहला गियर पहला है फिर दूसरा है, लोग क्या करते हैं कि थोड़ी आरपीएम बढ़ा के सीधे तीन पर शिफ्ट कर देंगे, दो को स्किप कर देंगे, इससे गियर पे एक अननेसेसरी लोड पड़ता है गियर बॉक्स पे, और गियर के जो चक्कर हैं सिंक्रोनाइजर हैं वो कटते हैं, तो ये भी आपकी एक कॉस्टिंग बढ़ा देता है अगर आप गियर प्रॉपर शिफ्टिंग नहीं करते हैं तब। फिर यही सेम चीज़ एक दूसरी चीज़ के लिए भी है कि सपोज़ कीजिए आपका अभी पहले गियर में ही गाड़ी चल रही है या दूसरे में चल रही है, वो आरपीएम पे है दूसरे गियर पे चलने के लिए, लेकिन हमने क्या किया थोड़ा शिफ्ट कर दिया तो गाड़ी ऐसे हेजिटेट होगी, ढक 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 ऐसे कूद, मतलब ऐसे लगता है कि गाड़ी कूद रही है, तो वो भी आपके गियर बॉक्स को डेट करता है और आपको अच्छा खासा जेब में खर्चा कर पड़वा सकता है। तो ये हो गया। फिर दूसरा, जब आप हिल पे चला रहे हैं गाड़ी तो अगर आपका आरपीएम डाउन हो रहा है या फिर कहीं आप ऐसी ऊंची चढ़ान पे चल रहे हैं आरपीएम कम हो रहा है तो गियर शिफ्टिंग करना बहुत जरूरी है, क्लच करके इसको गियर नीचे वाले में ला दो। तो यही सेम चीज़ जो आप अप में कर रहे हो वही सेम चीज़ आपको डाउन में भी करनी है, एक प्रॉपर आरपीएम पे गाड़ी का गियर डाउन कर लेना है, ये नहीं कि उसको घसीटते जाना है हाफ क्लच करके चलाते जाएं। तो एक हाफ क्लच का प्रॉब्लम अलग है, फिर हाफ क्लच वाला भी एक है तो जिसमें लोग हाफ क्लच करके हाई गियर में चलाते हैं, इसमें क्लच पे भी प्रॉब्लम प्रेशर पड़ता है और जो एक अमुक गियर के जो रेशियो होता है ना वो काम नहीं कर रहा था ढंग से, तो आपके डिफरेंशियल पे भी वो लोड पड़ेगा और आपके गियर पे भी लोड पड़ेगा, और आपका अगर गाड़ी में वजन है तो अच्छा खासा लोड पड़ेगा गियर पे भी, जिसे एक समय जो कंपनी गियर बॉक्स के लिए देती है उससे पहले गियर के चक्कर सिंक्रोनाइजर कट जाएंगे, और गियर खोल के असेंबल करवाओ कितना भी अच्छा काम करवाओ, गियर जो कंपनी सेट करके देती है वो परफेक्शन कभी नहीं आता, वो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी अच्छा खासा जीप के गियर पे काम किया है करवाया है। तो अब ना हो अगर मेरे वीडियो से देखना चाहते हो तो मेरा वीडियो है मैं 550 उस पर देखो, गियर के ऊपर मैंने काफ़ी अच्छे खासे वीडियो बनाए हैं, तो ये खासियत है। और दूसरी चीज़, अब जब भी गाड़ी उठाओ, अब खास करके मैकेनिक लोग होते हैं या फिर जो थोड़ा एक्सपर्ट होते हो क्या करेंगे, सपोज कीजिए मैंने ट्रैफिक में गाड़ी रखी तो दूसरे गियर में गाड़ी रखी तो दूसरे गियर में पड़ी रहेगी, और हाफ क्लच करके एक्सलेटर दे के गाड़ी को उठा लेते हैं, इससे क्या होता है गियर शिफ्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन इससे क्या होता है गियर के ऊपर अननेसेसरी लोड पड़ता है और आपका गियर एक ज़्यादा लोड लेके उठता है, क्योंकि गियर का अगर आप ध्यान देंगे तो हर गियर के मतलब गियर का रेशियो होता है कितने रेशियो पर काम करता है, तो लो स्पीड उठाने के लिए फर्स्ट गियर ही कंपलसरी गाड़ी पहले गियर में ही उठाएं। फिर दूसरी चीज़, मेरे 4x4 है उसका अलग टिप है, मैंने शेयर किया वीडियो वो, अगर आप 4x4 गाड़ी ऑन करते हो तो उस पर देख लो, सोच लीजिए कि अगर आप मेरे 4x4 गियर की गाड़ी है इसमें अगर खर्चा आता है या गियर ख़राब होता है तो कितना खर्चा आएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में खास करके अपने बिगनर लोग जो अभी हाल में कार लिए उनके लिए है, ये चीज़ें कुछ टिप्स शेयर करें जिससे आपका गियर की लाइफ बढ़ सकती है, इसका ऑयल चेक करवा के बदल लें, ठीक है, तो और गियर में से कोई अननेसेसरी आवाज़ आ रही है उसको भी नोटिफाई करें और उसको रिकवर करें।
क्योंकि कई बार आपने गियर स्लिपिंग का प्रॉब्लम देखा होगा, जैसे तीसरा गियर नहीं पड़ता है, चौथा गियर नहीं पड़ता, इसका रीजन भी वो सिंक्रोनाइजर है। और हम अननेसेसरी स्पीड में या फिर जो केयर नहीं करते हैं, हाफ क्लच में चला रहे हैं, हाई आरपीएम पे चला रहे हैं, तो गियर ख़त्म होते हैं। लोग दूसरे क्या होते हैं, जैसे गियर में, मैं तीसरे गियर में एकदम हाई आरपीएम पे ले लूँगा, जैसे मेरा आरपीएम है तो 3000-4000 मैं आरपीएम पे खींचने की कोशिश करूँगा, तब भी ये उस गियर को अननेसेसरी लोड देता है, उस गियर के चक्कर को, तो पर्टिकुलर वो गियर का चक्कर कटेगा और उसको सिंक्रोनाइजर भी कटेगा। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी टिप्स आपके साथ शेयर की, जिससे आप अपनी गाड़ी की लाइफ बढ़ा सकते हैं गियर की, और अपने जेब पे आने वाले खर्चे को कम कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए और ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो देखने के लिए कार के, आप मेरे चैनल पर बने रहें। आपको मेरा चैनल वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक और शेयर कर दें। आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आप जब गाड़ी आपकी मूव करिए, जैसे सपोज रिवर्स गियर डालते हैं अपने, तो रिवर्स गियर में सिंक्रोनाइजर नहीं होते, तो जब बी इसको शिफ्ट करें ना, गाड़ी आपकी कंपलसरी खड़ी होनी चाहिए। अगर आप चलती गाड़ी में शिफ्ट करेंगे नहीं शिफ्ट होगा, और आपके जो चक्कर है ना वो बजेंगे, मतलब कि वो चक्कर कट रहे हैं, वो ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है शिफ्टिंग में कि पाँच और रिवर्स के पीछे, जैसे चार शिफ्ट करते, कई लोग दबा के शिफ्ट कर देते तो टर्र करता, मतलब आपके गियर घिस रहे हैं, ये भी आपको रिवर्स गियर शिफ्टिंग करने के ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो आपका गियर जल्दी खत्म हो जाएगा और आपको खर्चा इसका भरना पड़ेगा।